में अब शाम होने वाली है और अब दुल्हन नहाने जाएगी, उसके पहले हम सब सब उसकी नज़र उतारते हैं। तो यहाँ आंगन में उसकी नज़र उतारी जा रही है और उसके बाद दुल्हन नहाने चली जाएगी और फिर हम लोग भी थोड़ी देर के बाद तैयार होंगे, क्योंकि दुल्हन जाएगी तैयार होने, उसके बाद हम लोग भी जाएंगे तैयार होने। तो दुल्हन को लोग नज़र उतार रहे हैं, अर्चना करते हैं, उसे सब हो रही है। और यहाँ गांव में बहुत ही अच्छे अच्छे गीत लोग गाते हैं, तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं छत से वीडियो ले रही हूँ क्योंकि नीचे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं छत पर आ गई थी और वहीं से इस वीडियो को मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लावा भुंजाई की रस्म हो रही है। यहाँ पे फुआई या बहन जो बड़ी होती हैं वो लावा भुंजती हैं, तो यहाँ लड़की की बुआ लावा भुंज रही हैं और यहाँ पे हम सब बैठे हैं। और यहाँ बहुत ही मतलब बहुत लोग आए हुए हैं और गीत चल रहा है, लोग गीत गा रहे हैं और हमें बहुत हंसी आ रही है क्योंकि हमें गीत इतना अच्छे से आती नहीं है। तो यहाँ गाँव में बहुत ही अच्छे अच्छे गीत लोग गाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, तो अच्छा लग रहा है देख कर। और हम सब बैठे हुए हैं कि मतलब थोड़ा बहुत सीख भी रहे हैं कि कैसे लोग गीत गाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हंसी मजाक हो रही है और गीत मतलब लोग गा रहे हैं। और यहाँ पे लावा भुन जाएगा, उसके बाद फिर सब जाएंगे तैयार होने, उसके पहले हम सब थोड़ी देर घूमने निकले। लावा भुंजाई का रस्म लगभग होने ही वाला है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है लावा भुंजाने के लिए। तो यहाँ पे और भी बहुत लोग आ रहे हैं देखने, ऐसे तो बहुत से लोग आ चुके हैं और बहुत लोग आ भी रहे हैं। तो लावा भुंजाई का रस्म होगा और उसके बाद और क्या क्या होता है। और दुल्हन तो नहाने चली गई क्योंकि उसे तैयार भी होना होगा और दुल्हन को तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाती है। तो हम सब वहाँ से निकल चुके हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इसी स्कूल में बारात ठहरेगा, समियाना है ये और सारे बारात यहीं पे ठहरेंगे। और अभी स्टेज भी तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो ही चुका है, कुछ कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ से जाने के बाद हम सब भी तैयार होना शुरू करेंगे, पहले मैं बच्चों को तैयार करूँगी। अभी हम सब यहाँ घूम रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मेरी दीदी हैं और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया है। तो हम सब तैयार होने के बाद फ़ोटो शूट करवाएंगे, सब लोग आए हुए हैं तो सबसे मिलना जुलना हुआ है, सब लोग साथ में फ़ोटो शूट करवाएंगे। तो ये वीडियो मेरा छोटा बेटा बनाया है मेरा, क्योंकि उस समय बेटी नहीं थी, वो मतलब नीचे चली गई थी देखने कि कैसा स्टेज सजा है। और यहाँ पर सारी बहनें हैं मेरी और मेरी भतीजी भी है, भाभी की बेटी। तो हम सब यहाँ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं लेकिन क्लियर फ़ोटो नहीं आ पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है। और हम सब फ़ोटो शूट करवाने के बाद नीचे जाएंगे देखने कि बारात आ रही है या नहीं। तो दुल्हन भी तैयार होके आ चुकी है, लेकिन बारात मतलब आ चुकी है वहाँ पे जहाँ पे समियाना है, लेकिन अभी यहाँ जयमाला के लिए बारात नहीं आई हुई है। तो सभी लोग तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद लोग नीचे जाएँगे देखने कैसा स्टेज सजा है। और ये मेरा छोटा बेटा, इसे भी मैंने तैयार किया। और देखिए फ्रेंड्स, इतनी गर्मी लग रही कि ये कोट भी नहीं पहन रहा है, और रहा है कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, अभी रख दो, बाद में पहन लेना, अभी ज़रूरत नहीं है कोट पहनने का और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सभी को पहले खाना खिलाया जा रहा है, खाना खाने के बाद फिर बराती लोग आएंगे तो उन्हें भी खाना खाना होगा, तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इस कारण पहले सभी को खाना खिलाया जा रहा है सराती लोग को। और यहाँ स्टेज देखिए सजा हुआ है और मेरा बेटा स्टेज पे मतलब बैठा है, बहुत बच्चे लोग भी सब बैठ के देख रहे हैं। अभी बारात यहाँ आई नहीं है तो सभी लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ से देख रही थी और सब लोग खाना खा लेंगे तो उसके बाद आराम से जयमाला देखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, बाराती लोग नाच रहे हैं, ये आ चुके हैं और उसके बाद ये मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन करने। उसके बाद जब वापस आएंगे तब जयमाला होगी, तो वीडियो देखते रहिए जयमाला की।